चाचा हाथ बैठा गए। पोली बहुत तगड़ी है 38 के का है। हाँ चाचा का बुखार रहा कई दिन। आज जो चाचा जो थर्ड घंटे हो तो गिरे भी नहीं थार पे। 40-45 उल्टी लगी थी। अच्छा उल्टी लगी थी। हाँ शरीर गिरा गिरा हो रहा। ये देख लो जी 0238 की कहानी एक समय पे ऐसी थी, तेरे तेरे फूटी टोली बनवाई किसान ने। हैं और आज देख लो कहाँ पहुँच गया। हाँ जी ये देखो भाई क्या करे भैया मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मजबूरी है किसान के सामने सब है जी। चोखा टंच की वो रखी है शुक्र है। नहीं मर जाते मर जाते और ज्यादा बैठता खेत। हाँ और ज्यादा मुंडो सुनो मैं कोल्लू वाले बिना लेते। हाँ हाँ मुने ना निकलते वैसे टंच का बढ़िया अंडा। हाँ नहीं शादी वाले का तो मुने ये कोल्लू वाले छाटन लगा। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों हमारे गांव में चल रही गन्ने में कटाई और कई किसानों ने जो है कई कई बीघे गन्ना खाली कर दिया। ये देख लो हमारे चाचा ने तो टोटली सारा का सारे खेत अपने कोल्लू में सप्लाई कर दिए। बाकी ट्रेंच से इन्होंने बो रखा था 0238 गन्ना वेराइटी है। तो चाचा से पता करेंगे क्या एक बीघे गिर दिया क्या रेट में जा रहा। बाकी हमारे यहाँ पे जो है लावड़ वाले जो आलू के लिए खेत ले लें और उसी को देखते हुए जिनके खेत में गन्ना कमजोर है ठीक ठाक नहीं है तो वे ज्यादातर डाल दें कोल्लू में। तो कई मुझे लगा 5-6 किसान ऐसे ही है इस समय पे जिन्होंने जो है अपनी टोटल सप्लाई कोल्लू में ही कर दी। तो मील का तो गन्ना कम हो गई है लेकिन रिकार्ड का भी पता करेंगे अभी चाचा से कैसा रिकार्ड रिकार्ड आ रहा। चाचा ने तो रोज टोली भर रहे कैसा करोगे चाचा भैया और क्या करे बताओ। और सुनाओ क्या हाल है। रोग लग गया था खेत में क्या करेगी। रोग लग गया था। हाँ तो कितना गिर दिया कोल्लू में। चली जागी 16 के बीघे। 16 के बीघे एवरेज क्या आ रहा। 40 क्विंटल का। हाँ इसमें तो आई रहा तो बोरा रही पक्का पॉइंट तो क्या करे और बैठ ही जब तक खेत और ज्यादा बैठ जाता बढ़ता तो जब भी ना बढ़ता नहीं वो बैठ ही नहीं बन रहा था। तो अच्छा अच्छा इस वजह से ये जी जी। तो कोल्लू का क्या रेट चल रहा। 305 रुपए क्विंटल। 305 रुपए क्विंटल में मंडवाड़ी साहब के सल्फर गए। हाँ हाँ वहाँ लेकर जा रही। तो 16 बीघे खाली कर दिया जी। हाँ जी कर दिया। तो मील के तो कुछ छोड़ा ना तुमने। नहीं घंटा है और है क्या बीघे बच रहा मील का है अभी तो है। दस बीघे ले रखा। अच्छा ले रखा जी। अपने तो तुमने सारे खाली कर दिए। ये तो पूरा चक खाली कर दिया देख लो। 10 बीघे फेंक दी है। तो भाइयों देखो किसानों की ये है आपके बारे में सच्चाई। चाचा जिनका ये मतलब पेटी ज्यादा कमजोर हो रही और आलू आलू का या दूसरा खेत में बुआई करनी तो वे तो ज्यादातर कोल्लू में गिर जाए। मजबूरी है क्या करे खेत बैठे पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ज्यादा इसमें किसान को बचत भी नहीं होने का। कितने स्प्रे करे थे इसमें खेत में। इसमें करी थी 3 स्प्रे। अच्छा 3 स्प्रे करी थी। ट्रेंच विधि का था। मुझे लगा 48 में बोया था ना। हाँ 45। तो शादी में भी थारा इतने एवरेज आया ट्रेंच में भी इतना ही है ना। एवरेज घटा थोड़ी इसमें आके। ना एवरेज तो इसमें घटा नहीं खैर। पर इसमें ऐसा कोई गंदा मान लिया जगह खाली रह जाओ। हाँ तो वो खाली रह जाओ वो खाली रह जाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गंडा ठीक है वैसे गंडा ठीक है। जो 28 से 30 इंची वाले उनके भी 35-40 के एवरेज। हाँ ऐसा ही है सबके रोग आ रहे हैं सबके। हाँ हाँ रोग आ रहे। तो आपका वेराइटी कौन सी बोगे फिर। 18-018। हाँ 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 ठीक चल रहा उसे ही बोगे। और दूसरा कौन सा बोगे जी। 13-235 वो भी बढ़िया खड़ा हमारे यहाँ। अच्छा 13-235 बढ़िया खड़ा बल्कि उसमें रिकवरी भी अच्छी बता रहे। तो भाइयों देखो अब की बार में 0238 की बुआई किसान बहुत कम करेंगे और 0118 अपने यहाँ पे भी मेल वालों ने पिछले साल बहुत लगवाया किसानों को तो काफी अच्छा खड़ा। बाकी का रिकॉर्ड तो कोई खास तरह है नहीं अब का मुझे लगा नहीं। जैसा बारिश भी हमारे यहाँ ठीक ठाक हुई। नहीं रिकॉर्ड बढ़िया नहीं। रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है बिल्कुल। अभी रेट का चाचा कुछ पता नहीं। नहीं अभी वही 370 ही आएगा सर मील का। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों ये है गन्ना किसान की हालत समय पर। लागत आ रही ज्यादा। लागत ज्यादा आ रही है और गन्ने की खेती में किसान को कुछ नहीं बच रहा। ना ना ना। और यही सच्चाई है कि जल्दी गन्ना डाल के किसान की मजबूरी बनेगी कि इसमें क्यों ना आलू लगवा लिया जाए कुछ पैसे आ जाए। कुछ भी आलू सरसों। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी फसल ली जाए कुछ दो पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो भाई छुलाई सुबह सुबह चला है अपने यहाँ पे।
और गोड़े वोड़े सब लेके जा लिए। और अपना इस समय पे यो है कि छोला भी देखने ना पड़ते चाचा, यो है कि दाल हो जा काम। हाँ दाल हो जा, सब अपनी अपनी पूरी घेर हो जा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने पूरी घेर हो जा। तो देख लो जी, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार। ओ भाई ये दूसरे खेत में यहाँ चल रही है, नीरज भाई के खेत में, इसमें भी आलू लगेगा और ये कोल्लो में जाएगा ये भी।